एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर में। और आप जो ये आज मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे हमने बॉल पुट्टी से बनाया है, बहुत ही कम खर्च में बनाया है। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ और आप भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम जो बॉटल यूज करते हैं और जो इसका ऊपर का पार्ट बच जाता है उसे फेंक देते हैं, उसे मैंने यहाँ पे लिया है। और मैं इसके पीछे वाले साइड पे ग्लू लगा लूँगी और ये जो मोटा वाला चार्ट पेपर है इस पे मैं इसे चिपका लूँगी। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसके बैक साइड पे हम ये सेलो टेप लगा देंगे ताकि जो हमने इस पे कार्डबोर्ड चिपकाया है वो निकले ना। और उसके बाद हम इसे बॉल पुट्टी से कवर करेंगे। तो मैंने आपको बॉल पुट्टी का डो बनाना सिखाया है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम इस बॉटल पे ग्लू लगा लेंगे और बॉल पुट्टी से इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे, पानी की हेल्प से इसे स्मूथ कर लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाएगा तब इसे हम बॉल पुट्टी से फिर से डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बेस बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है और इसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे। तो मैं डिटेलिंग करूँगी यहाँ पर बॉल पुट्टी से। और बॉल पुट्टी क्योंकि बहुत ही सस्ता होता है तो हमारा जो क्राफ्ट होता है काफ़ी कम खर्च में बनके तैयार हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि जो भी हम क्राफ्ट बनाते हैं वो बहुत ही हमारे बजट में होता है। तो देखिए, मैं इस पे इस तरह से डिटेलिंग कर रही हूँ। अगर आपको और भी कोई आइडिया है, आप इस पे और भी कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप बॉल पुट्टी से बना सकते हैं, क्योंकि ये क्राफ्ट हमारे द्वारा बनाया जा रहा है तो इसमें जो भी डिटेलिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग ही होगा और कलर भी हमारे अकॉर्डिंग होगा। तो मैं जैसे जैसे इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ आप देख सकते हैं, मैंने इस क्राफ्ट में ज़्यादा कुछ भी यूज नहीं किया है। बस मैंने यहाँ पे जो प्लास्टिक का जो बॉटल का ऊपर का पार्ट होता है वो यूज किया है और बस थोड़ी सी बॉल पुट्टी यूज की है। और उसके बाद हम इसे और भी सुंदर बनाने के लिए कलर यूज करेंगे। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना कलर किए हुए, ये बिना कलर किए हुए भी काफ़ी सुंदर लगता है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कलरफुल बनाना चाहते हैं या फिर ऐसे ही सिंपल बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
हमने इस पे कलर कर लिया है और कलर होने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। और जब सारे कलर सूख जाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और उसके बाद हम इसमें जो हमने फ्लावर स्टिक बनाया था उसे रखेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।